श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे आज के एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड जो हमारा है वो इंटीरियर वास्तु पे ही डिपेंड है, क्योंकि जो ये वास्तु में एक ऐसा बहुत प्रॉब्लम, हमने कई बार हमें ऐसे प्रॉब्लम्स के फोन आ चुके हैं, मेल आ चुके हैं कि सर जी, हमारे घर में ऑलरेडी सब फर्नीचर हो चुका है, हमारे घर के अंदर हमने टीवी लगाया हुआ है, तो हमारा टीवी कहीं गलत दिशा में तो नहीं है? अगर उसका गलत दिशा में टीवी है तो उसका क्या उपाय है? और अगर हम नया फर्नीचर करा रहे हैं, अभी रिनोवेशन करवा रहे हैं, तो हम टीवी भी चेंज करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ये टीवी क्या एक ऐसा माध्यम है ना, वो एक ऐसा गैजेट है, अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, यानी एंटी डायरेक्शन में होगा, तो वहां से जो हमें कहते ना आचार विचार प्राप्त होते हैं, वो हमेशा नेगेटिव ही होंगे, क्योंकि आपकी इसकी सोच भी आपकी नेगेटिव हो जाएगी, उससे आपके घर के अंदर जो शांति होती है उसमें बहुत बड़ी खलील पहुंचती है, घर में कहते हैं कलेश बन जाता है। अगर एक टीवी के माध्यम से, वो आपको थोड़ा मैजिक लगेगा कि ऐसा टीवी में से क्या हो गया, तो देखिए आजकल की जो धारावाहिक आती है उसके अंदर बहुत कुछ ऐसे एपिसोड आते हैं, अगर वो हम अच्छी दिशा में रखे हुए टीवी के साथ देखेंगे, यानी उस डायरेक्शन में फेस करके देखेंगे, तो इससे हमारी पॉजिटिव थॉट रहेगी, नेगेटिव थॉट नहीं आएगी। अगर समझो कि हमारे वास्तु के अंदर हमारी जो नेगेटिव डायरेक्शन है, वैसे वास्तु में कोई भी दिशा नेगेटिव नहीं होती, पर कोई एक ऐसी दिशा है जो नकारात्मक विचारधारा आपको देती है, तो उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे। एक्चुअली हम पूरा एक टीवी के बारे में पूरा 16 जोन का एक एपिसोड बनाने वाले हैं, उसमें हर जोन में हम आपको दिखाएंगे कि टीवी कौन सी दिशा में होना चाहिए और वहां पे टीवी लगाने के बाद क्या पॉजिटिविटी आती है, उसकी जल्दी एक वीडियो आने वाली है। आप लोग सब हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज उसको लाइक और शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, क्योंकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होगा तुरंत आप तक उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। फ्रेंड्स, तो अब हम हमारी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम वैदिक वास्तु की चर्चा करेंगे। हमारे पास एक महावास्तु, मॉडर्न वास्तु है जिसमें 16 जोन आते हैं, और एक वैदिक वास्तु जिसमें हम 8 जोन की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे आप देखोगे, अभी मैंने यहाँ पे जो चार्ट बनाया है वो वैदिक वास्तु का बनाया है, तो यहाँ पे हमें ये देखा जाता है कि अगर आपको जो आपकी डायरेक्शन है, तो यहाँ पे डायरेक्शन आपको सब जो डायरेक्शन प्राप्त होगी वो 100% कौन से जोन की प्राप्त होती है, इससे आपको कितना नेगेटिव इफेक्ट आता है, क्या इसकी प्रॉब्लम से, यहाँ पे हम सब आपको दिखाएंगे, और इस वास्तु के अंदर हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं टीवी के माध्यम से, हमारी सिटिंग के माध्यम से। ये जो एपिसोड अभी हमारा एक व्यूअर्स देख रहे हैं, जो व्यूअर्स अगर कहते हो लर्नर है, वास्तु के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे उनको कुछ नया दिखेगा। वैसे ये नई बात नहीं है, क्योंकि आप कोई भी क्लाइंट के वहां पे जाओगे तो सबसे पहले पूछेंगे, सर जी हमारी घड़ी तो सही दिशा में है ना, सर जी हमारी टीवी तो सही दिशा में है ना, हमारा बेड तो सही दिशा में है, हम सही दिशा में सिर रख के सोते। ये उनके बहुत ही नॉर्मल सवाल होते हैं। अगर इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है तो कस्टमर आप पे इंप्रेस नहीं होंगे, या आपकी बात पे भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसके शौचालय के बारे में आप जाके बोलोगे कि ये शौचालय गलत है, इसको तोड़ दीजिए, तो वो उसको बहुत हट करेगा कि अभी हमारा एक मकान है, हम रेंट में रह रहे हैं, और वास्तु के नाम पे शौचालय तोड़ने वाली बात है, किचन तोड़ने वाली बात है, ये सब लेना है, ये सब हमें जाने नहीं देना। लर्नर को मैं खास बताता हूँ, और आप बेसिक से चालू करना, किसी भी कंसल्टेंट के वहां पे जाऊंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये फोन पे भी अगर आप उनको टिप्स देंगे ना, तो वो आप पे बहुत आकर्षित होंगे, क्योंकि कोई भी सवाल यहीं पे आके अटकता है कि मेरी टीवी कौन सी दिशा में, ये सवाल मेरे घर में भी रहेगा, आपके घर में भी रहेगा, और जो कोई ये वीडियो देख रहे हैं, जो कोई हमारे व्यूअर्स फ्यूचर के हैं, उनको भी अगर ये वीडियो तक आना है, तो ये तो सवाल उनके जीवन में रहेगा कि हमारा टीवी कहाँ लगा है। तो सबसे पहले अगर आपका रेंटेड मकान है, ऑफिस है, बिजनेस है, या मल्टी कोई भी तरह की कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, वहां पे अगर आपको टीवी को सेट करना है, तो मैं आपको उसके पूरी टीवी के बारे में बताऊंगा। अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट की आपकी ड्राइंग रूम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ ईस्ट की ड्राइंग रूम है आपकी, और वहां पे आपको अगर टीवी रखना है, तो यहाँ पे टीवी स्पेशली आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ आपको दो स्थिति में टीवी रखने की स्थिति दिखा रहा हूं। एक तो ये टीवी आप नॉर्थ जोन में रख दीजिए, और ये जो सोफा सेट आप अभी हम आपको इधर दिखाने जा रहे हैं, ये सोफा सेट को आप इस तरह से स्थापित कीजिए, चाहे वो ईस्ट जोन में हो, चाहे वो साउथ जोन में हो, चाहे वो वेस्ट जोन में हो, इस सोफे को इस तरह से सेट करो कि जब भी हम टीवी देखने बैठे तो हमारा मुंह टीवी की तरफ हो, यानी उत्तर दिशा की तरफ हो। यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे, ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ही आपको अपना फेस रखना है। अगर यहाँ पे आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ नहीं होगा, तो यहाँ पे नेगेटिविटी आएगी और यहाँ पे वास्तु दोष बनेगा। तो आपको जब भी टीवी देखना हो,
तो इस तरह से आपकी सीटिंग होनी चाहिए कि आप जब भी टीवी देखने बैठो तो आपका मुंह है वो नॉर्थ की तरफ हो। अगर नॉर्थ की तरफ ऑलरेडी आपका मुंह है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है और टीवी नॉर्थ की तरफ नहीं सेट हो रहा, मान लो ये टीवी आपका साउथ की तरफ सेट हो रहा है, तो वहां पे क्या उपाय करेंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, अगर ये टीवी आपका साउथ की तरफ है तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि टीवी के जो पीछे वाली जो जगह होती है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कोई भी भगवान की एक मूर्ति रखनी है यहाँ पे, यानी जब भी आप टीवी देखने बैठो तो आपका फेस इस भगवान की तरफ हो, भगवान का कोई भी स्टैचू ला के रख दीजिए, जिससे अगर साउथ में आपकी टीवी पड़ी है तो भी आपको क्या नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे, क्योंकि टीवी एक ऐसा माध्यम है वहां बहुत समय हमें बिताना पड़ता है। कोई अच्छी मूवी लग गई, अच्छी सीरियल आ गई, तो आधे घंटे से 3 घंटे तक हमारे वहां पे कैसे स्पेयर हो जाएंगे हमें नहीं पता चलेगा, इतना टाइम पास हो जाता है। अगर वो भी अब साउथ डायरेक्शन की तरफ मुंह रख के टीवी देखेंगे तो साउथ से हमेशा नेगेटिव फोर्स आता है, नकारात्मक विचार आते हैं, तो वहां पे क्या होगा, बच्चा भी इस तरह से देखेगा तो वो बच्चा कम उम्र में ही जिद्दी हो जाएगा, बहुत शरारती हो जाएगा, पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा और वो जिद करेगा और हमेशा आपको नेगेटिव थॉट मिलते रहेंगे और आपकी भी थॉट नेगेटिव होगी, आपके हस्बैंड हो आप हो फैमिली बैठोगे तो भी मजा नहीं आएगा। टीवी में जो आनंद आना चाहिए वो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में पड़ा होगा तो ही आनंद आएगा। अगर समझो कि हमारे पास नॉर्थ में रखने के लिए कोई स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स नॉर्थ में रखने के लिए हमारे पास टीवी की कोई स्पेस ही नहीं है तो हम यहाँ पे करेंगे कि टीवी को हम इस तरह से सेट करेंगे कि वो आपकी टीवी, सपोज ये जो हमारी सीटिंग है वो पश्चिम दिशा की तरफ आ जाएगी, यानी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन है और जो टीवी वाली जोन है वो हमारी ईस्ट की तरफ चली जाएगी। अगर यहाँ पे टीवी आप सेट कर दोगे तो सीटिंग वो पश्चिम दिशा या साउथ डायरेक्शन की हो जाएगी, या फिर आपको यहाँ साउथ में भी आप टीवी सीटिंग कर सकते हो, साउथ में सीटिंग कर दोगे फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से पूरी सीटिंग आपकी साउथ में सेटिंग कर दोगे तो आपका मुंह टीवी देखते समय ईस्ट की तरफ रहेगा तो भी चलेगा, और वैसे भी बेसिकली आप नॉर्थ की तरफ बैठ अगर आपका फेस रखता तो वास्तु पे सोने पे सुहागा है। पर अगर कोई कारण सर आपकी टीवी के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पे ये ईस्ट जोन में सेट नहीं हो रही फॉर एग्जाम्पल, और आपने टीवी को आपने पश्चिम जोन में रख दिया तो आपको क्या उपाय करना है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको उपाय बताऊंगा, यहाँ पे आपको वही उपाय सेट करना है कि आपको जो टीवी की पीछे वाली वॉल है उस वॉल पे आपको एक भगवान का स्टैचू सेट करना है और आपकी जो सिटिंग है वो सिटिंग को आपको पूर्व दिशा में रख दीजिए। जब आप टीवी देखने बैठो तो आपका फेस पश्चिम दिशा की तरफ ऑलरेडी कोई भी कारण सर आ रहा है, बेसिकली वास्तु के अंदर टीवी का फेस हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी टीवी ईस्ट में होगा, सोफा पश्चिम में या साउथ में होगा, और आप जब टीवी देखने बैठो तो आपका फेस ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ होगा। ये हमारा आज का टॉपिक है, वैसे 16 जोन का टॉपिक हम नेक्स्ट लेंगे, बट अगर आपकी कोई कारणवश टीवी पश्चिम में ही सेट हो रही है और ये रेडीमेड मकान है, मीन्स रेंट वाला मकान है, यहाँ पे आप कोई चेंज नहीं कर पा रहे तो मैं यहाँ पे एक उपाय भी दिखा रहा हूँ, वो उपाय को फॉलो कर लीजिए तो उसकी कम नेगेटिव मात्रा में कम मात्रा मिलेगी, वहां पे नकारात्मक ऊर्जा बहुत कम हो जाएगी। तो आपकी ईस्ट में सीटिंग आ गई, आपकी जो वेस्ट में आपकी टीवी की यूनिट आ गई, तो यहाँ पे भगवान की कोई भी फोटो लगा देना, जिससे क्या होगा कि आपको वो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, यहाँ पे भगवान की फोटो लगाने से पॉजिटिव थॉट आते रहेंगे। बाकी तो जो टीवी का जो मैंने आपको बोला, कोई भी रूम हो अगर आपको टीवी सेट करना है तो सबसे बेस्ट डायरेक्शन उस टीवी की नॉर्थ जोन, और सीटिंग सेट करनी हो तो सब उसी रूम की सबसे बेस्ट डायरेक्शन वो जो है हमारी साउथ, साउथ में बैठिए नॉर्थ की तरफ देखिए, या फिर वेस्ट में टीवी को रखिए, ईस्ट में रखिए और वेस्ट सीटिंग कर दीजिए। और इसमें भी अगर आपको साउथ ईस्ट कॉर्नर मिल रहा है टीवी के लिए तो अति उत्तम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है, साउथ ईस्ट कॉर्नर में रहेगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, और जो हमारी सीटिंग है सोफा सेट जो है वो हमारा कोई भी जगह एंगल के, यहाँ पे 3D एमिनेशन हम एंगल सेट नहीं कर सकते, हम जितना भी कोशिश हो आपको दिखाने की कोशिश करें साथ साथ डायरेक्शन भी बोल रहे हैं। अगर ये रूम आपको मिल रहे तो साउथ ईस्ट में टीवी आ गया, आपका सोफा सेट पश्चिम हो गया, जब आपका टीवी देखने में आपका फेस होगा वो ईस्ट की तरफ होगा तो ये वास्तु के नियम से बहुत ही बढ़िया रहेगा, या ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट
कहीं पे भी टीवी रख दीजिए, पॉजिटिव थॉट ही आने वाले, बट उल्टी दिशा में आ गए तो वही भगवान के एक स्टेचू मार्केट से लेके आइए और उस टीवी के अगल बगल या ऊपर कहीं पे भी सेटल कर दीजिए, जिससे वो स्टेचू की पॉजिटिविटी आपको मिलेगी और वास्तु दोष नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने आपको जो ऊर्जा और सवाल है, और कई ऐसे सवाल है कि हमें टीवी कहाँ रखना चाहिए, टीवी की वीडियो हमने यहाँ पे एक झलक दे रखी है। ये ऐसी झलक दिखाई है कि आप इमीडिएटली इसको कुछ चेंज कर सकें। बाकी हम जो 16 जोन वाली वीडियो लेके आएंगे वो एकदम फैंटास्टिक होगी, नॉलेजेबल होगी, उससे आपको इतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। बट उसके जो भी रूल्स रेगुलेशन है, वो नया मकान इंटीरियर करा रहे हो तभी संभव है, क्योंकि आप अगर पूरे मकान में कहीं पे भी टीवी सेट करनी हो तो वो 16 जोन को पकड़ना थोड़ा आपके लिए कठिन होगा, मुश्किल होगा और असंभव भी होगा, क्योंकि रेंट वाले मकान में कोई भी ओनर हमें काम करने नहीं देता। तो इसीलिए आपको हमने यहाँ पे एक रेंट वाले मकान में भी बहुत सरल उपाय दिखा दिया है। ये उपाय आप कर लीजिए, क्योंकि टीवी आपकी सोच पे निर्भर है, टीवी आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए भी है। अगर टीवी पॉजिटिव डायरेक्शन में रखी होगी तो पॉजिटिव थॉट आएंगे और उसकी जो बैड इफेक्ट है, जो बैड कल्चर है, वो आपकी लाइफ में नहीं आएगा। एक बार इस वीडियो को थोड़ा सीरियस ले लीजिए। आप पेरेंट्स हो तो पेरेंट्स के माध्यम से आप देख रहे हो तो उसके एंगल से भी सोचो कि हमारे फ्यूचर के अंदर हमारे बच्चे की परवरिश जो हमें करनी है, उनका जो फ्यूचर करना है, तो वास्तु के अगर थोड़े संस्कार उनको मिलेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि अभी जो ये हमारा जो वास्तु शास्त्र है ना, ये हमारे पास सेकंड हैंड आया हुआ है। ये जो शास्त्र थे वो सब हमारे पश्चिम देश वाले ले गए और उसी शास्त्र से वो लोग आगे है। उनकी टेक्नोलॉजी देख लीजिए, उनके वहाँ पे डिसिप्लिन देख लीजिए, उनके वहाँ पे सिस्टम देख लीजिए, क्लीनिंग सिस्टम देख लीजिए, वहाँ पे आर्किटेक्चर देख लीजिए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए। तो क्या ये सब ऑटोमेटिक आ गया? उन्होंने कहीं तो कुछ पढ़ाई की होगी ना। तो वो हमारे पुराने ग्रंथ जो वास्तु रिलेटेड है, विश्वकर्मा प्रकाशन, वास्तु का, वास्तु संहिता, बहुत सारे ऐसे हमारे 18 पुराण, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। हमारे जिंदगी को सुधारने के लिए अनमोल जड़ी बूटियां है, बस वो हमें प्राप्त होनी चाहिए। हम इसी डिजिटल इंडिया के माध्यम के द्वारा आपको ये आपको परोस रहे। अगर आपको हमारी वीडियो सच में सही लग रही है तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।